सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का हमारी रसोईया का 40 से ऊपर जा रही है, उसको निकालने का घोषणा हो रहा है। तो हमारी रसोईया 2002 से काम कर रही है, आज कहाँ जाएगी? सरकार एक तरफ कर रही है वेतन दे रहा है और एक तरफ काट रही है, इसका कोई अर्थ नहीं बुझा रहा है कि सरकार करेगी तो क्या करेगी। कितना वेतन मिलता है आपको? 1000 मानदे हमारी रसोईया पार्टी, 1000 तो सब्जी के लिए भी नहीं। सरकार कह रही है कि गरीबों को हम भला कर रहे हैं, हमें ये नहीं लग रहा है कि वो गरीब को कर रहा है कि अमीर को कर रहा है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हर साल रसोइयों को नया चयन हो रहा है, जिसका पाल रहेगा वो रसोईया रहेगी, नहीं तो समाप्त हो जाएगी। तो 2002 से हमारी रसोईया काम कर रही है, तो आज वो कहाँ जाएगी? हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी रसोईया कोई नहीं निकासित जाएगी, हमारी प्लस रसोईया वही रहेगी, नहीं तो इसका हम विरोध करेंगे। आप लोग कितना मिला के तरफ? हमको कम से कम 18000 मिलना चाहिए, उतना नहीं उसके पास है तो कुछ और कम, तो 5000 करना चाहिए, कम से कम 5000 तो जीविका चले। जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ एवं संरक्षक उत्तर प्रदेश रसोईया कर्मचारी संघ का मैं जिला संरक्षक हूँ। जी रहमान जी, आज किस लिए आप प्रदर्शन करवा रहे हैं? हम लोगों का ये प्रदर्शन है कि हमारी रसोइयों को श्रम विभाग के तरफ से उनको ये LIC करके और पेंशन देने के प्राविधान के तहत बुलाया गया था, और जब ये उस सेवा केंद्र पर गई जहां ऑनलाइन हो रहा है, वहां पर उनसे कहा गया कि जो 40 साल से ऊपर हैं उनको जो है इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। तो जो हमारी रसोइयां वर्षों से कार्यरत हैं और वो 40 वर्ष की उम्र पार कर गई, तो वो आखिर कहां जाएंगी? आप जिस समय इनका चयन कर रहे थे उस समय आयु का कोई जो है बाउंडेशन नहीं था, आज आप इनको कुछ लाभ देने की बात चल रही है तो आप जो है इनपे समय का फाउंडेशन लगा दिए, ये कहाँ का न्याय है? क्या होना चाहिए आपके लिए? होना ये चाहिए कि जितनी भी हमारे रसोईया हैं, कामगार हैं, इनको जो भी सरकार की योजनाएं इनके लाभान्वित करने की है उस लाभ को जो है सभी को देने चाहिए जो भी कार्यरत है। और हम लोगों की मानदेय है कि 18000 कम से कम न्यूनतम मानदेय हो। जी क्या जिला अध्यक्षा रसोईया संघ रेणु शर्मा जी से प्रमुख सचिव मध्यान्ह भोजन से बात हुई है, तो उन्होंने बुलाया है 7 तारीख में वार्ता का समय दिया है सचिवालय लखनऊ में, तो हम लोग वहां चलेंगे और वार्ता करेंगे और हम लोगों की जो भी समस्याएं हैं कि जो रिन्यूअल का प्राविधान है कि हर साल रिन्यूअल करिए, नया फॉर्म डालिए, फिर उसमें आपका सिलेक्शन होगा और आपका पाले होगा तभी होगा, तो कोई इसमें है कि जो विधवा हो उसको प्रायोरिटी पे चयन किया जाए, तो वो कहाँ से बच्चा पैदा करेगी, वो कहाँ से अपना पाले लेके जाएगी और विद्यालयों में रखेगी, और अध्यापकों पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है जो कि पढ़ाते हैं, तो उनके कोई पाली की जरूरत नहीं है, वो जो है पढ़ाएंगे अनवरत।